वेल स्टूडेंट्स, अभी तक जब हम लोग सोर्सेज ऑफ फूड की बात कर रहे हैं, तो इसमें अभी तक में हम लोगों ने जो है चर्चा की है कि फूड क्यों जरूरी है हमारे लिए, कैसे जो है इंडिया में जो है काफी ज्यादा डाइवर्सिटी मौजूद है फूड के मामले में, है कि नहीं। और साथ ही हमने ये भी देखा कि फूड प्रिपरेशन में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है, और ये इंग्रेडिएंट्स जो है ये प्लांट से हासिल होते हैं और एनिमल से हासिल होते हैं। प्लांट बेस्ड जो फूड होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने एक अलग सेशन रखा था, और फिर एक छोटा सा सेशन हम लोगों ने जो है एनिमल बेस्ड फूड जो है उनके ऊपर भी रखा था। अब आज के सेशन में हम लोग जो है इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए दूसरे जो एनिमल्स हैं या डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनके डाइटरी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, ओके। और आगे जाके किस तरह से जो ये डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट डाइटरी हैबिट्स होती है उसकी वजह से कैसे हमारे इकोसिस्टम में एक जो है फूड वेब बनता है, और उसमें कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये सारी बातें हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में। सो प्लीज क्विकली ओपन योर टेक्स्ट बुक नाउ, ओके। सो व्हाट डू एनिमल्स ईट? नाउ अनलाइक प्लांट्स, एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। जैसे प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं ना फोटोसिंथेसिस के थ्रू, एनिमल्स जो है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो बेसिकली दे डिपेंड इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो वो जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। सिंस दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। क्योंकि वो अपना खाना खुद से तैयार नहीं कर सकते हैं ये जानवर, तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स। प्लांट्स के लिए कौन सा टर्म हमने यूज किया था? यस, प्रोड्यूसर्स। नाउ दीज कंज्यूमर्स, ये जो कंज्यूमर्स हैं यानी कि एनिमल्स, दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। ये अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। नाउ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ ईच एनिमल आर अडेप्टेड टू द काइंड ऑफ फूड द एनिमल ईट्स। ये जो जानवर हैं जो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, तो उसी हिसाब से उनका बॉडी पार्ट भी अडेप्ट किए हुए हैं। नाउ बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट, एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। अपने फूड हैबिट के बेसिस पर एनिमल्स जो है उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। तो पहले कैटेगरी है हर्बीवोरस एनिमल्स की, ओके। नाउ एनिमल्स सच एज काउज, बफेलोज, गोट्स एंड शीप फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स। तो गाय, भैंस, बकरी, शीप, ये सब डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं, सीधा प्लांट खाते हैं, है ना। तो जो सीधे प्लांट को खाते हैं दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स या हर्बीवोर्स। इन्हें जो है हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं, शाकाहारी जानवर। नाउ इन ऑर्डर टू कट प्लांट पार्ट्स, हर्बीवोर्स हैव शार्प कटिंग टीथ इन देयर फ्रंट जॉज। अब चूंकि इनको प्लांट के हिस्सों को काटना पड़ता है ना, तो इसीलिए जो है इनका अगला जो जबड़े का हिस्सा होता है यहां पर जो है तेज दांत होता है काटने वाला। एंड टू च्यू द फूड दे हैव वेल डेवलप्ड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ ईच जॉ। और फूड को बढ़िया से चबाने के लिए, पीसने के लिए उनके बैक जॉ में क्या मौजूद होता है, बढ़िया वाला चौवा मौजूद होता है ना, ग्राइंडिंग टीथ। फिर दूसरी जो कैटेगरी है एनिमल्स की, दीज आर कार्निवोरस एनिमल्स। नाउ एनिमल्स सच एज लायंस, टाइगर्स, ईगल्स, स्नेक्स एंड हॉक्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। वो जो है दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, दे आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स और कार्निवोर्स। इन्हें जो है मांसाहारी जानवर कहते हैं, है ना। तो हर्बीवोर जो कि प्लांट खाते हैं, और कार्निवोर कौन हो गए, जो कि एनिमल्स को खाते हैं, है ना, जो कि मांस खाते हैं दूसरे जानवर का। तो ये जो है इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करेंगे, ना कि डायरेक्टली डिपेंड करेंगे ये। तो जैसे कि हर्बीवोर्स में हमने देखा है कि उनके आगे के दांत जो है वो प्लांट्स वगैरह को काटने के लिए बेहतर प्रिपेयर्ड होते हैं, और पीछे के जो उनके दांत होते हैं वो चबाने के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स जैसे कि लायन, टाइगर्स, चीता, वुल्व्स और फॉक्सेस जो है दे हैव लॉन्ग शार्प टीथ टू टियर द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। देखते हैं ना, ये कैनाइन टीथ जो होता है काफी तेज होता है, बड़ा होता है। ये इसलिए होता है ताकि ये जानवरों के मांस को जो है आसानी से चीर फाड़ सके, ओके। कार्निवोरस बर्ड्स हैव पॉइंटेड बीक्स, ओके, एंड शार्प क्लॉज कॉल्ड टैलन्स टू टियर द फ्लैश।
जो कार्निवोरस बर्ड्स हैं, जिया दिख रहे हैं ना, इनके जो पंजे होते हैं वो तेज जो है इनके पंजे भी होते हैं, जिनके टैलन्स कहते हैं, और इसके अलावा इनका जो चोंच होता है वो भी जो है बिल्कुल नुकीला होता है, तो इससे जो है इन्हें फ्लैश को जो है चीरफाड़ करने में मदद मिलती है। Now, snakes have small teeth which help in swallowing the prey whole. Snakes वगैरह के दांत जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं जो कि उन्हें शिकार को जो है निगलने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है कार्निवोर्स आपके हो गए। Now, the another category of animals that is of omnivores. Omni का मतलब ही होता है सब। तो omnivores जो होंगे वो कैसे होंगे, तो जो कि मीट भी खाएंगे यानी कि फ्लैश भी खा सकते हैं और साथ साथ जो है प्लांट बेस्ड फूड जो है वो भी लेते हैं वो। सो लाइक हम लोग भी उसमें होंगे, है ना, एनिमल्स सच एज ह्यूमन बीइंग्स, क्रोच, स्पैरोज, बियर्स एंड पीकॉक्स, दे ईट बोथ यू नो प्लांट्स एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। वो जो है प्लांट भी खाते हैं और दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस एनिमल्स और ओमनीवोर्स। तो देखिए ये जो तीन हमने की हैबिट्स देख लिए एनिमल्स का, राइट, कौन कौन से हो गए, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। लेकिन इसके अलावा कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनकी फूड हैबिट और भी डिफरेंट होती है। सो लाइक यू नो बिसाइड्स द थ्री मेन टाइप्स एनिमल्स आर आल्सो क्लासिफाइड एज डिकम्पोजर्स, स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट्स। ये जो थ्री मेन टाइप्स हो गए इसके अलावा जो है एनिमल्स को डिकम्पोजर्स, स्कैवेंजर्स और पैरासाइट में भी बांटा गया है। अब ये सब क्या होते हैं भाई, तो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगाई, अर्थवर्म्स, डंग बीटल्स एंड मेनी काइंड ऑफ सॉइल बैक्टीरिया फीड ऑन एंड डीकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फंगाई, अर्थवर्म, डंग बीटल और कई जो है सॉइल बैक्टीरिया वगैरह सब भी जो है ये जो है डेड प्लांट्स और एनिमल्स को सड़ाते हैं, डीकम्पोज करते हैं और उसी से अपना न्यूट्रिशन जो है वो हासिल करते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं डीकम्पोजर्स। ऑन द अदर हैंड सम कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स सच एज वल्चर्स, क्रॉच, क्रैब्स एंड हाइनस फीड ऑन द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। कुछ जो कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स होते हैं जैसे कि वल्चर, क्रॉ, क्रैब और हाइना वगैरह, ये जो है डेड एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, वो मरे हुए जानवर का मांस खाते हैं। Now, these animals are called scavengers. इन्हें हम scavengers कहते हैं। They help in keeping the surroundings clean. वो हमारे आसपास के जगह को साफ रखने में help करते हैं। Now, certain animals such as mosquitoes, fleas, leeches, bugs and lice suck blood from humans and other animals. कुछ और जो है animals जैसे कि मच्छर हो गए और fleas हो गए, leeches हो गए, जो जिसको कहते हैं, तो ये सब जो कि हमारे ह्यूमंस या बाकी जानवरों का जो खून चूसते हैं, है ना, तो इस तरह के एनिमल्स जो हैं ये पैरासाइट कहलाएंगे। और भी जैसे कि एनिमल्स सच एज टेप वर्म्स, राउंड वर्म्स, हुक वर्म्स, ये जो है दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स एंड डिपेंड ऑन देम फॉर फूड। ओके, चाहे ये मच्छर वगैरह सब हो, जू हो, है ना, खटमल वगैरह हो, या फिर ये टेप वर्म या राउंड वर्म या हुक वर्म हो, ये सब जो है फूड डायरेक्टली नहीं लेते हैं, ये जो है सीधा दूसरे जानवर से जो है अपना पूरा न्यूट्रिशन ले लेते हैं, है कि नहीं। आप खाइएगा पिएगा फिर आपके ब्लड में पूरा न्यूट्रिशन ट्रांसफर होगा, आप तो इतना मेहनत कर लिए, लेकिन ये मच्छर जो है उसको क्या करना है, बस सीधा आपका खून चूस लिया, जो न्यूट्रिशन उसमें है वो ले लिया, काम चल गया ना उसका। ऐसे ही आप खाना खाइएगा, वो फूड जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होना शुरू होगा, वो पचा हुआ फूड, और वहां पर ये वर्म्स जो होंगे वो ऑलरेडी उस पचे हुए फूड का न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह के एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स से डायरेक्ट न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं वो कहलाते हैं पैरासाइट्स। So, well, अभी तक हम लोगों ने जो है डिफरेंट एनिमल्स और उनके जो है डाइटरी हैबिट और उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन को देखा है ना। Now, in the next session, we will talk quickly about food chain and then we will see how, you know, like this food chain is an example of how, you know, like animals in the ecosystem are dependent on each other. So, well, thank you. See you with the next bit.